नमस्कार, मैं क्वीन ऑफ किचन आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने किचन में। ये है आज का डिश ऑफ द डे, जो है इलायची वाले चाय का पेड़ा बनाया है हमने। ये एक अनोखा डिश है, प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा आप। इसके लिए हमें चाहिए 2 टीस्पून चाय की पत्ती और 1 और आधा कप हमने यहाँ पे दूध का पाउडर लिया है, आप कोई भी ब्रांड वाला ले सकते हैं। 1 चम्मच हम हरी इलायची का पाउडर लिए हैं, 2 टेबलस्पून घी लिया है, 3/4 कप हमने पाउडर शुगर लिया है, पिसा हुआ चीनी, और 3/4 कप हमने दूध लिया है। अभी हम पहले चाय बना लेते हैं। उसके लिए हमने दूध को गैस पे चढ़ा दिया है। इसमें हम चाय की पत्ती और इलायची का पाउडर डाल के, इलायची का पाउडर सिर्फ 1 पिंच डालना है, पूरा टीस्पून नहीं डालना है इसमें, बाकी का हम बाद में पेड़े में डालेंगे। तो सिर्फ 1 पिंच मैंने डाला है यहाँ पे इलायची का पाउडर, और इसको उबालना है अच्छी तरह से, जैसे हम नॉर्मली चाय बनाते हैं वैसे ही चाय बनाने हैं। बस यहाँ पे चीनी नहीं डाल रहे हैं, बाद में डालेंगे हम। तो मैंने इस चाय को करीबन 3 मिनट के लिए उबाल लिया है ताकि अच्छे से चाय की पत्ती का फ्लेवर आ जाए। चाय का पत्ती आप कौन से भी ब्रांड का ले सकते हैं, अच्छे से उबाल लीजिएगा क्योंकि चाय का फ्लेवर ही यहाँ पे मेन है इस चाय, इस पेड़े में जो इलायची वाली चाय होती है उसका फ्लेवर है। तो उसे हमें छान लेना है घी के ऊपर, जिस बर्तन में हम पेड़े बनाएंगे उसी में डाल लीजिएगा। अभी इस चाय को हम रूम टेम्परेचर तक आने के लिए छोड़ देते हैं, और जब रूम टेम्परेचर पर हो जाए तब दूध की पाउडर हम इसमें ऐड कर देते हैं और गैस ऑन कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसमें लम्प्स ना हो, गुठलियाँ ना हो, इसलिए हमें चाय को रूम टेम्परेचर के तक आने को छोड़ना है, इंतज़ार करना है। और अभी हम अच्छे से मिला लेंगे जल्दी जल्दी से, ताकि कोई गुठलियाँ ना हो दूध के पाउडर का। इसको पूरी तरह से मिला लीजिएगा। ये दूध के पाउडर का जो कच्चापन रहता है वो चले जाना चाहिए, तब तक हमें इसको भून लेना है। चलाते रहिएगा ताकि दूध का पाउडर जले नहीं। करीबन 3-4 मिनट तक ऐसे ही हमें भूनते रहना है। इस पेड़े में हाथ का काम बहुत ज्यादा है, चलाते ही रहना है लगातार, पर कुछ पाने के लिए कुछ करना भी तो पड़ता है, कुछ मेहनत भी तो करना पड़ता है ना। तो अभी हम इसमें इलायची का पाउडर डाल देते हैं और फिर से भूनना शुरू करते हैं। अभी ज्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा भून लेना है। अभी हम इसमें चीनी का पिसा हुआ चीनी जो था उसमें, उसको इसमें मिला लेते हैं। और अभी इसको अच्छे से मिला लेना है। पहले पहले तो आपको बहुत ही सूखा सूखा लगेगा, लेकिन आप अच्छे से मिलाते जाइएगा, वो चीनी जो है वो पिघलेगा तो सेमी लिक्विड हो जाएगा फिर से ये सब। अभी देखिए कितना ड्राई लग रहा है ना, थोड़ी देर में ये पूरा पिघल जाएगा चीनी का पाउडर।
देखिए अभी फिर से सेमी लिक्विड बन गया है। तो अभी बस मिलाते जाना है, इसको ऐसे ही चलाते रहना है करीबन 15 मिनट के लिए। ऐसे ही लगातार चलाते रहना है। जब तक कि ये गाढ़ा हो जाए या फिर जो बर्तन में आप बना रहे हो वो बर्तन के किनारे छोड़ देगा ये मिक्सचर, तब तक आपको इसे ही ऐसे ही चलाते रहना है। हाँ, हाथ जरूर दुखेंगे, पर जब बनाने के बाद आपके घर वालों को खिलाओगे और उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आएगी वो मुस्कुराहट देख के आपका सारा थकान चला जाएगा। तो इस दिवाली पे ये मीठा जरूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरा एक्सपेरिमेंट था जो कि सक्सेसफुल हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर लूँ। तो प्लीज ये ट्राई कर लीजिएगा। जो भी चाय को बहुत पसंद करते हैं उनको बड़ा ही पसंद आएगा ये। इलायची वाला चाय का फ्लेवर है इस पेड़े में। अब बस ये एक बार ट्राई कीजिएगा, आप बहुत ही खुश हो जाओगे और इसको अपने रेसिपी बुक में लिख लोगे, मैं गारंटी देती हूँ। देखिए अब ये किनारा छूट रहा है और अभी 15 मिनट हो चुका है मुझे इसे चलाते हुए, तो मैं अभी गैस ऑफ कर लेती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो इसको पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रखना है। तो इसका थोड़ा सा अच्छा सा गून लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और इसको अच्छे से रोल करेंगे हाथों में, छोटे छोटे से बॉल जैसे बनाएंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे पेड़े के आकार देने के लिए। आप कैसे भी आकार दे सकते हैं आपके पेड़ों को, तो आप लड्डू भी बना सकते हैं इसका और इसका पेड़ा भी बना सकते हैं। पेड़ा बनाना है तो थोड़ा लड्डू को प्रेस करना है, बस इतना ही है। आप जैसा शेप चाहे दे सकते हो, मैंने बस नॉर्मल रेगुलर पेड़े जैसे आकार दिया है, इसको गोल गोल बना लिया है और थोड़ा सा फ्लैट कर दिया है और उंगली से थोड़ा सा दबा दिया है। और ये पेड़ों पर जो ग्लेज आया है उसको देखिए आप, कितना खुशी मिलती है। नहीं वो शाइन जो बोलते हैं ना, वो ग्लेज। टेस्ट में तो बहुत ही बढ़िया है, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। आपको मुझसे प्यार हो जाएगा इस रेसिपी के लिए, मैं गारंटी दे सकती हूँ इस बात का, मैं बेट लगा सकती हूँ इस बात का। ट्राई कीजिएगा और ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कैसा निकला आपका रेसिपी और आपके घर वालों ने कैसा रिएक्ट किया। धन्यवाद बहुत ये देखने के लिए। दिवाली की बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। नमस्कार।